राजधानी में महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता पर आधारित एक लड़की के प्रेम की कहानी को बयां करने वाले नॉवल द रावली प्रिंसेस का विमोचन किया गया, जिसमें शहर की ही लेखिका आरती राय की द्वारा लिखा गया है। इस नॉवल की कहानी गुलाबी नगरी के आसपास घूमती हुई नजर आती है, जिसको लेकर के आरती ने बताया कि जयपुर शहर की भावनाओं को लेकर के किताब लिखी गई है, जिसमें अहम किरदार जयपुर की रहने वाली एक लड़की का है, जिसमें एक विदेशी से उसको प्यार हो जाता है और अपनी दोस्ती के साथ अपने दोस्त के साथ मिलकर के इस प्यार को पाने की कोशिश करती है। आरती का यह पहला नॉवल है जिसकी प्रेरणा जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के दौरान मिली है, जिसके बाद आरती ने इसे अपनी ही एक कविता से नॉवल को तैयार किया है। ये तीन लोगों की कहानी है, सुकन्या, एरिक एंड एल्जा स्मिथ। एल्जा स्मिथ एक इंडिपेंडेंट गर्ल है, फ्रीडम लवर है और खुद पे अपनी लाइफ बनाना चाहती है। सुकन्या है, बहुत इनकॉन्फिडेंट है और उसे पता नहीं क्या करना लाइफ में, बट उसके डैडी बहुत ऑर्थोडॉक्स हैं एंड ही इज़ वेरी वेरी स्ट्रिक्ट और बाहर नहीं जाने देते एट्सेट्रा, बट शी इज़ फॉन्ड ऑफ पोएट्री। तो वो बाहर छुप छुप के एल्जा के साथ जाती है। एल्जा उसकी ऑल वेदर फ्रेंड है, कहीं भी घूमेगी फिरेगी, कहीं छुप के पोएट्री सेशन में जाएगी। एक दिन एरिक से मुलाकात होती है, एरिक उसकी ज़िंदगी बदल देता है सुकन्या की, और वो उसे बताता है कि तुम्हारे अंदर ऐसा टैलेंट है जिससे तुम पूरी दुनिया में फेमस हो सकती हो और इस विला से बाहर जा सकती हो अपने डैडी की।